नमस्कार, मैं नीलम स्पाइस बॉक्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी रेसिपी है केले के फूल की सब्जी, और इसके लिए लगने वाली सामग्री है एक केले का फूल जिसे मैंने पहले ही साफ करके पका लिया है, एक कटोरी काली मटर, राई, जीरा, हिंग, हल्दी, लाल मिर्च, काला मसाला, गुड़, इमली का पानी, कसा हुआ नारियल, नमक और तेल आवश्यकता अनुसार। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं केले के फूल की सब्जी। सबको लगता है कि इसकी सब्जी बनाना बहुत ही मुश्किल है, और वाकई में ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको केले के फूल लेकर उसे छीलना पड़ता है, और तब जाकर आपको अंदर छोटे छोटे फूल मिलते हैं, और उन फूलों को छीलना होता है, और फूल के अंदर की ये जो डंडी होती है उसको निकाल लेना है, क्योंकि अगर ये डंडी उसके अंदर रह गई तो सब्जी कड़वी बन सकती है। इसके लिए काफी समय लगता है, और उसके बाद 3-4 घंटे पानी में भिगो कर रखना पड़ता है, और फिर उसे कुकर में अच्छी तरह से पकाना होता है। पर ये सारा समय बचाने के लिए मैंने पहले ही इसे तैयार कर लिया है। पैन गरम करके उसमें तेल डालना है। अब हमारा तेल तप चुका है। अब इसके अंदर राई, जीरा और हींग डालेंगे। ये तड़का होने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च। इसे डालने के बाद इसमें पके हुए काले मटर एक कटोरी, और हमारा पकाया हुआ केले का फूल डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हम तेल में अच्छी तरह से। कोकण में ये सब्जी बहुत बनाते हैं, पर अपने मुंबई शहर में इतनी तेजी से भरी जिंदगी है, जहाँ कभी कभी हम खाना तक नहीं पका पाते हैं समय पर। ऐसे में ये सब्जी बनाना बहुत ही मुश्किल है, पर एक आध दिन या रविवार को एक चेंज ऑफ डिश की तरह बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर हम डालेंगे काला मसाला, और अब ये इमली का पानी है। गर्म पानी में इमली डालकर इसे अच्छे से छान लिया गया है। अगर आपको इमली का रस नहीं डालना है तो आप कोकम भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोकम का रस जिसे आगर कहते हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 3 चम्मच, जितना आपको खट्टा पसंद है उतना आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ और नमक। अब इसको मिला लेते हैं, अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और इसमें एक भाप आने तक ढक कर रखते हैं। हमारी सब्जी अब पक चुकी है। अगर आपको सब्जी में ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है कि इसके लिए मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। हमारी सब्जी तैयार है। अब मैं प्लेटिंग करती हूँ। अब इसमें ऊपर से कच्चा पिसा हुआ नारियल डालेंगे, और अगर चाहें तो हरा धनिया भी। खाने के लिए तैयार है केले के फूल की सब्जी।